हाय गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल जम्बू। आज हम आप सभी लोग को बताएंगे कि डिश टीवी में आपका रिमोट नहीं काम कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। आप सभी लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आपका रिमोट नहीं काम कर रहा है टीवी से, डिश टीवी मॉडल नंबर है मेरा, सभी लोग देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओके बटन में जो दिख रहा है आप सभी लोगों को ओके पर क्लिक करके और जीरो पर प्रेस करके रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड लगेगा, यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे रखना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा। तो अभी इसके एकदम सेंटर पे ही रखिएगा, इसके बाद थोड़ा देर ऐसे लाइट रहेगा बढ़ते हुए, थोड़ा देर के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि आपका रिमोट ऑन हो जाएगा, आपको थोड़ा देर यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो हम यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंक करके ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। तो आप सभी लोग और सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको पीछे के साइड आपको थोड़ा केयरफुली सारा चीज़ सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो माइक है जो आप लोग लगाते हैं अलग से स्पीकर का माइक, तो इसको आपको यहाँ से हटा कर जो टीवी ट्यूनर होगा जहाँ भी कनेक्शन यहाँ पर पूरा रॉन्ग किए रहते हैं तो अपना यहाँ पर इधर लगा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिमोट पूरी तरह से मेरे काम करने लगा, देखिए लाइट ब्लिंक करने लगा है। आप सभी लोग को ये डिफ़ॉल्ट होता है तो इसके कारण नहीं आपका रिमोट काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।